सैफ बदर हमारे साथ हैं जिन्होंने ओवरसीज़ वॉरियर्स को जितवाने में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया इस मैच के हीरो और मैन ऑफ द मैच तो उनसे बातचीत करते हैं सैफ लगता है कि बिल आखिर वो रात आ गई है वो घड़ी जो एक ब्रेक थ्रू आपको चाहिए था बैटिंग में किसी बड़े टूर्नामेंट में आ जी बिल्कुल और स्पेशली इस टाइप के टूर्नामेंट में जो काफ़ी देखा जाता है काफ़ी लोग फॉलो करते हैं तो बिल्कुल मेरे कॉन्फिडेंस के लिए और मेरे जो आने वाली क्रिकेट है कोशिश करूँगा कि इसको इससे इस इनिंग से सीखूँ और इसको और बेहतर जैसे बनाया जा सकता था तो उन चीज़ों पर काम करूँ और अपनी गेम को डे बाई डे इम्प्रूव करूँ एक स्टॉप स्टार्ट सा करियर रहा है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में और इन आउट भी होते रहे तो इस दफ़ा इस के की तैयारी या इस क्रिकेट सीजन की आपने तैयारी जो है वो कुछ मुख्तल तरह से की एक्चुअली जो मेरे बारे में कॉन्सेप्ट था तो मुझे वो आइडिया था कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं तो मैं बिल्कुल वही एम था कि मैं अपने बोल के अगेंस्ट गेम इम्प्रूव करूँ तो इन वो आप इस टूर्नामेंट में देखने में नज़र आएगी और अपने आप को जो ऑफ सीज़न था उसमें काफ़ी मेहनत की है और बस कोशिश करूँगा कि उसको जितना अच्छा कर सकूँ स्टॉप ना लगे तो, चलता रहे तो ये जो आज का मुकाबला था बहुत ही दिलचस्प रहा टूर्नामेंट का सबसे दिलचस्प मुकाबला था तो उम्मीद यकीन और कभी ज़ाहिर है वसवसे भी रहे होंगे कि क्योंकि स्कोर बहुत ही कम था तो क्या चल रहा था मैदान के अंदर उम्मीद यकीन दोनों थे लेकिन सारा क्रेडिट देना चाहिए जैसे हमारे सारे लड़कों की फील्डिंग एफर्ट थी अगर आप देख रहे थे उसके अलावा जो रन आउट कैचेज़ और उसके बाद बॉलर्स ने जिस राइट एरियाज़ में बॉलिंग की इतने छोटे टारगेट को इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट स्ट्रिक करना तो ये काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट अच्छी है और हमारी टीम को इससे काफ़ी बूस्टअप मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में हमें ये हेल्प करेगी आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं इसमें तो कोई शुभ नहीं ये तो हम सब जानते हैं आपके अंडर 19 के दिनों से तो ये बताइए कि क्या आपने हदफ़ क्या रखा है इस इस सीज़न में और इस टूर्नामेंट बिल्कुल इस टूर्नामेंट का ये था कि यार जो मेरे पे एक स्टॉप लगा है उसको मैं बिल्कुल ही क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि मेरा डू एंड डाई वाला सीजन कह सकते हैं इसको तो मेरा कोशिश यही है कि जो जो मेरे बारे में है कि मैं टैलेंटेड हूँ ये वो तो उस चीज़ को जो हार्डवर्क की कमी थी उसको साथ जोड़ूँ तो आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सर आपको पता है शुभ ओवरसीज़ वॉरियर की कंपेन तो बहुत ही अच्छी चल पड़ी है तो आप समझते हैं ये टीम ऑल द वे जा सकती है सर देख लें जिस तरह हमने तीन मैचेस खेले हैं तो इन हमारे जो होप्स हैं वो हाई हैं तो इन आपको डे बाई डे टूर्नामेंट में अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छी ओवरसीज़ की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी सर बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी नेक तमन्ना है आइंदा आने वाले मैचेस और सीज़न के लिए भी आपके साथ थैंक यू सो मच सर